अगर आप एक वन प्लस फोन यूजर हो तो आपको तो पता ही है कि आपके फोन में जो डिफॉल्ट डायलर ऐप दिया गया, अगर आप उससे कभी भी कॉल लगाते हो और आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है, जैसे कि दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड। एंड अब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका सोल्यूशन। तो अब आप किसी को कॉल लगाओ, कॉल को रिकॉर्ड करो तो वहां पे कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास OnePlus के फोन है और वो भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एम करते हैं इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स। Let's get started. इस वीडियो की शुरुआत ही करते हैं प्रूफ के साथ। एंड आप देख सकते हो मेरे पास है OnePlus Nord यहाँ डिवाइस नेम में, एंड एंड्रॉइड वर्जन मेरे फोन में है 12। तो अब चलते हैं बाहर एंड चलो आपको एक कॉल लगा के बता दूं। तो अब ये कॉल लगा देते हैं 198 पे। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको इसका प्रूफ भी बता दूं। यहाँ ये जो पहली वाली फाइल है ये है इसकी रिकॉर्डिंग। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कोई भी वार्निंग नहीं आई। अब ट्यूटोरियल को आसानी से समझने के लिए आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं डिफॉल्ट डायलर की बात करूंगा तो ये वो डायलर है कि जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग की वार्निंग सुनाई दी जाती है। एंड जब मैं वन प्लस डायलर की बात करूंगा तो ये वो ऐप है जो आपको अब मिलने वाला है। तो अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग बिना किसी वार्निंग के अगर अपने OnePlus के फोन पे करनी है तो आप ये कैसे करोगे? आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। एंड इसकी जो डाउनलोड लिंक है ये आपको वीडियो के दौरान ही बताई जाएगी, तो वहां से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड हो जाए फिर आप यहाँ पे आइए एंड इसे इंस्टॉल कर दीजिए। एंड यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल पे इसे क्लिक करेंगे तो बस अब ये ऐप इंस्टॉल लिख के आ जाएगा। डन कर दें एंड अब ये ऐप ऑब्वियसली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो ये कि जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो ना तो यहाँ पे ना इसका कोई आइकन नहीं बनता। ठीक है, सो आप उस ऐप को डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकते। तो अब आप इसे एनेबल कैसे करें ताकि आप कॉल रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर पाए? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चलना है सेटिंग्स में। यहाँ आते ही आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको ऐप्स नजर आएगा, इस पर आप टैप करें। अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का ये ऑप्शन आएगा, इस पर अगेन टैप करें। अब यहाँ आपको इस ऐप को ढूंढ निकालना है जिसका नाम है फ़ोन। ठीक है, तो ये यहाँ आपको नज़र आएगा, यहाँ ये फ़ोन पे ऐसे क्लिक करें। यहाँ लिख के आएगा कि ऑलवेज एंड नॉट अलाउड में, तो ये नॉट अलाउड ही होगा ऑब्वियसली, आपको इसे ऑलवेज कर देना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे इसे डिस्प्ले ओवर अदर एप्स की परमिशन पे ऑलवेज क्या ऑप्शन दे रहे हो। अब चलते हैं बाहर, तो अब एक कॉल लगा के भी देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे डायलर में एंड ये यहाँ से मैंने 198 पे कॉल लगा दिया। अब यहाँ आपने कुछ नोटिस किया दोस्तों कि जब मैंने एक कॉल लगाया या जब आप भी ये कॉल लगाओगे तो दोस्तों अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप जो फ़ोन में दिया गया है ये आ जाता है तो इससे आप बिल्कुल घबराइए मत, ये सिर्फ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको कहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन करनी है ये आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आप ऐसे नीचे आएंगे एंड ये वाला ऐप जो हमने इंस्टॉल किया है ना OnePlus का डायलर, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे एंड आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। एंड दोस्तों ये बिना किसी वार्निंग के ऑन हो चुकी है। ठीक है, अगर इन चीज़ें कभी ऑन ना हुई हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली टैप करके भी रिकॉर्डिंग ऑन कर पाओगे। आपको अगर ये डिफ़ॉल्ट वाले ऐप का ये जो आइकन है इसे छुपाना है तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। अब इस कॉल को यहीं से स्टॉप कर लेते हैं। रिकॉर्डेड कॉल्स को आपको एक्सेस करने के लिए माई फाइल्स ऐप में आना है एंड यहाँ आपको ये ऑडियो का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर ऐसे टैप करें एंड यहाँ आपको सारी ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। मैं आपको ये वाला कॉल सुना के भी बता दूं जो जस्ट अभी हमने रिकॉर्ड किया। वेलकम टू जियो। सो देखा दोस्तों ये पूरी कॉल रिकॉर्ड भी हो चुकी है एंड यहाँ कोई भी वार्निंग नहीं आई। दोस्तों आपको जो मैंने अभी सोल्यूशन बताया ये मोस्ट ऑफ दी वन प्लस फोन्स पे काम कर रहा है इवन आफ्टर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें।